नमस्कार। पहले सबसे पहले दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को, खासकर सिल्क टीवी के सभी दर्शकों को भी। और आज हमारे साथ भागलपुर जिला के सांख्यिकी पदाधिकारी हैं और शंभू राय जी हैं। और शंभू राय जी का जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनको कविता लिखने का शौक है। तो जानते हैं शंभू राय जी से कि आखिरकार एक पदाधिकारी के पद पर रहते हुए उनका ये शौक कब और कैसे जो है वो जागृत हुई। शंभू राय जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। देखिए, ये शौक है और कविता और गीत लिखने का जो मेरा है, वो परिस्थितियों और परिवेश से आदमी जब प्रभावित होता है तो मन में जो चीज़ें आती हैं वो तमाम बातें कलम के माध्यम से वो कागज़ पर उतरती हैं। तो मैं भी समाज में रहता हूँ, समाज की परिस्थितियों से प्रभावित हूँ और ख़ास तौर से जैसा कि आपने कहा, मेरी कविताएं, मेरे लेखन, मेरी गीत समाज के युवाओं को प्रेरित करने के लिए हुआ करती हैं। तो वर्तमान में आज जो ये दिवाली का अवसर है और ये आज भय, भूख, बेरोजगारी तो एक समस्या है ही देश के सामने, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आतंक के और प्रदूषण की है। और सही कहिए तो आतंक से भी भारी समस्या, विकराल समस्या प्रदूषण की है। वह प्रदूषण एक छुपा रुस्तम ऐसा आतंकवादी है जो दिखता नहीं है और हर आदमी को निगलता जाता है। और प्रदूषण पर मैंने तमाम पहले भी काम किया है, लिखा है, और आज दीपावली के अवसर पर भी कैसे प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाई जाए, यह लोगों को सरकारी की नीतियां भी ऐसी हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी ऐसा ही चाहती है, और उसी के अनुकूल समस्याओं से प्रभावित होकर के मैंने जन सामान्य को, युवाओं को जगाने का प्रयास किया है अपने इस कविता और गीत के माध्यम से। शंभू राय जी, सबसे बड़ी बात आज के समय में ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते हैं और उनका जो परिवेश है, शहरी परिवेश में जो बच्चे पले बड़े हैं, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई होने के नाते आजकल के जो बच्चे हैं वो कविता हो, कहानी हो, खासकर मेरे कहने का मतलब ये कि हिंदी से वो बचते रहते हैं। और यह चीज़ बहुत ही कम अब देखने को मिलता है कि कोई बच्चा या फिर कोई युवा हिंदी को लेकर इतना सीरियस नज़र नहीं आता है। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है और यदि हम अपनी बुनियाद को भूल जाते हैं तो फिर आज जो देश की स्थिति है वो अपनी कल्चर को ही हम भूलते जा रहे हैं। चौराहे खड़ी मूर्तियां ये कह रही सवाल, देश में आज हो रहा नित क्यों बवाल। तो ये युवाओं का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसको भगत सिंह आज़ाद बिस्मिल ने जो दिखाया था, विवेकानंद ने जो पाठ पढ़ाई थी, युवा आज भ्रमित हैं, विचलित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर और अपनी संस्कृति को, अपनी मातृभाषा को और उस हिंदी को छोड़ा है। वो हिंदी उनकी माँ की, मातृभाषा का मतलब माँ की भाषा हुई, और माँ को ही अगर कोई छोड़ दे, मातृभाषा को छोड़ दे, तो फिर अपने रास्ते से भटक जाएगा, उसकी अपनी संस्कृति से भटक जाएगा, तो फिर उन ऊँचाइयों को नहीं छू पाएगा जिसकी कल्पना विवेकानंद ने की थी। तो मैं युवाओं से अनुरोध करूँगा कि यह व्यावसायिक युग है और यह मल्टीफेरियस युग है और इसमें बिना अंग्रेजी के काम नहीं चल सकता, ये बात सही है, लेकिन हम अपने जड़ को और अपने हिंदी को ना भूलें, हिंदी को मजबूत करें। चाहे हम शहर में रहते हों, गांव में रहते हों, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हों या हिंदी मीडियम में पढ़ते हों, अपने जड़ को ना भूलें, मातृभाषा को ना भूलें। जो युवा खास करके अपनी सभ्यता, संस्कृति और मातृभाषा हिंदी की मैं बात करूं, जो युवा इस चीज़ को भुला रहे हैं, क्या वो स्वयं जिम्मेवार हैं या फिर उनके माता पिता भी? क्योंकि आजकल के जो माता पिता हैं, अधिकतर मैं औसत एवरेज अगर मैं बात करूं तो अधिकतर माता पिता की यह चाह होती है कि मेरे बच्चे डांस इंडिया डांस में जाए, बूगी बूगी में जाए, या तो फिर जो भी ये रियलिटी शो है उसमें जाए। तो कहीं ना कहीं अभिभावक भी तो जिम्मेदार हैं इस चीज़ को लेकर। ये बाजारवाद जो बढ़ रहा है और उस बाजारवाद से प्रेरित जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को उधर ही मोड़ते हैं, इसके लिए युवाओं से अधिक उनके अभिभावक जिम्मेदार हैं। युवा वर्ग के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो इन अभिभावकों ने उस जवानी को भटकाने का जो काम किया है और इतिहास माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मैं तो ये कहूँगा युवाओं से अधिक युवाओं को दिशा देने वाले लोग जिम्मेदार हैं जो उनको सही रास्ते से भटका रहे हैं।
हम चाहेंगे हम अपने दर्शकों को भी कि आपकी कुछ कविताएं जो खासकर दिवाली को लेकर आपने लिखी है, तो उसको हम चाहेंगे कि आप आज सिल्क टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, ये कविता शहीदों को भी नमन है, प्रदूषण से मुक्त दिवाली के लिए एक संदेश है, और मैं इस कविता को पढ़ करके सुना रहा हूँ। इसका शीर्षक है दीप शहीदों को। दीप शहीदों को अर्पित कर खुद का मान बढ़ा लेना, जले बुराई कीट पतंग सा ऐसा भी दीप जला देना। दीप शहीदों को अर्पित कर खुद का मान बढ़ा लेना, जले बुराई कीट पतंग सा ऐसा भी दीप जला देना। दीप जलाओ दीप जलाओ आज दिवाली आई, दीप जलाओ आज दिवाली आई। बनी मिठाई घर की खाना करके सफाई लक्ष्मी लाना, नाच गा कर खुशी मनाओ देना सबको बधाई। दीप जलाओ आज दिवाली आई, दीप जलाओ आज दिवाली आई। फोड़ो मत पटाखे अब तू ध्वनि धुआं से दूर रहो, टाटा बाय करो प्रदूषण, टाटा बाय करो प्रदूषण, मस्ती में भरपूर रहो। दीप जलाओ आज दिवाली आई। माँ लक्ष्मी की कृपा हो सब परे, प्रगति देश की खूब हो, बारिश हो सद्भाव प्रेम की, सबकी दिवाली शुभ हो। दीप जलाओ आज दिवाली आई, दीप जलाओ आज दिवाली आई। चलिए, तो ये हमारे साथ आज जिला सांख्यिकी पदाधिकारी जो भागलपुर में अभी सेवासरत हैं, तो शंभू राय जी मौजूद थे, और आगे हम चाहेंगे कि शंभू राय जी भी की जो कविताएं थी कैसा लगा नहीं लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। बहरहाल सिल्क टीवी की ओर से आप सबों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ।